क्लास में और न्यू क्लास में सबसे ज्यादा क्रेज किस चीज का होता है? न्यू स्टेशनरी का। जिन्हें और ध्वनि मुझसे इतने टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि हमें न्यू स्टेशनरी चाहिए। जैसा कि मैंने ओल्ड स्टेशनरी पे यानी स्टेशनरी दिखाई थी इतनी सारी, हाँ उसमें काफी सारा सामान निकला था, लेकिन हाँ बच्चों को न्यू पाउच चाहिए होता है, न्यू बैग चाहिए होता है, न्यू लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, सब चीज न्यू क्लास में न्यू क्रेज होता है। मैंने भी सोचा क्यों ना जिन्हें ध्वनि को दे दूं सरप्राइज और लेके चलूं मार्केट में न्यू न्यू स्टेशनरी दिलाने। तो चलो जिन्हें और ध्वनि को देते हैं सरप्राइज। आज बाजू और भाई बच्चा पार्टी टीवी देखा जा रहा है। यस तो छुट्टियों को यूटिलाइज करें। मैं सोचूं तुम्हारे साथ कोई गेम खेल लूं। कौन सा फनी गेम? क्योंकि आज मैं थोड़ा सा फन करने वाली हूँ, थोड़ी सी मस्ती करने वाली हूँ, तो मैं सोचूं मतलब मम्मी हमें आज जा रही है। मैं सोचूं तुम्हें चलो ठीक है, बट मैं कुछ और सोच रही थी। अब तुम्हें गेम चल रही है, बताओ। तो मैं सोच रही थी फालतू भी कोई चीज नहीं लोगे। फालतू ये होता है कि बहुत सारे कलर्स नहीं लोगे जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। मतलब मेरा ये प्लान है कि मैं तुम्हें न्यू न्यू पाउच दिलाऊं, न्यू न्यू वाटर बॉटल दिलाऊं, न्यू न्यू लंच बॉक्स दिलाऊं, न्यू न्यू बैग दिलाऊं। तो मेरा कैसा विचार है? विचार बड़ा। और नए नए पेन दिलाऊं, न्यू न्यू पेंसिल्स दिलाऊं। वो मम्मी को बताने की जरूरत नहीं है, वो हम अपने आप लेंगे। हम लोग चल चुके हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है जिनी ध्वनि। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, न्यू स्टेशनरी मिलेगी, न्यू सब कुछ मिलेगा, न्यू क्लास में प्रमोट हो गए। ये देखो काउंटिंग पहले स्टार्ट हो गई। पाउच, इरेजर, बस पाउच और इरेजर लेके आओ, कुछ पेंसिल, 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 नॉट पेंसिल, पेंसिल्स। ओके तो चलो चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है फ्रेंड्स। तो चलो हमारे साथ चलो स्टेशनरी शॉप पे। स्टेशनरी का पहले लेना क्या है? सबसे पहले स्टेशनरी। अरे भैया स्टेशनरी भैया, एक्सक्यूज मी, आपका स्टेशनरी का सेक्शन दे मैं इस तरह दे सकता हूँ, सारा सेक्शन स्टेशनरी का। एक काम करो, आपको जो जो लेना है पहले आप पिक कर लो, फिर मैं चूज करा दूंगी कि ये लेना है या नहीं लेना है, ठीक है? ओके डन डन डन। वाओ ये तो इतनी सुंदर पेंसिल्स है वाली। ओके पेंस है, टू पेंसिल्स है, पेन लग रहा है मुझे ना, पेन है, पेन पेन, हाँ पेन है। जी ने पढ़ लिया, हमारी कॉमन सेंस थोड़ी वीक रही। पेन है, पेन है, मम्मी ने पढ़ा नहीं है। पेन है, ग्लू पेन, ये ग्लू पेन ही है ना? हाँ ये ग्लू पेन है। नॉर्मल पेन है, नॉर्मल पेन है, कलर पेन, कलर पेन। वाओ ये कलर पेन। एक काम करो, अपना अपना उठाओ, जो जो चाहिए आपको। मेरे को एक ये चाहिए, बताए क्या चाहिए आपको? ये फ्रेंड जो भी आर्टिस्ट है यहाँ पे, जो पेपर कटर है फ्रेंड्स, देखो कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे आ गए हैं ना, ठीक है? मम्मी बहुत सही होता है, वही तो बहुत सही, इससे पेपर कटता है, पेपर कटता है। चल चल ले ले, चलो आगे देखो, चल फालतू की चीज दे गए यहाँ पे, पेंसिल पाउच वही आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो पेंसिल, ये पाउच,
लेकिन ये ना सही रहेंगे, आपकी सारी चीज आ जाएगी इसमें। इससे छोटे क्या हाल हो गया आप बताओ? पेंसिल, कभी कह रही है पेंसिल बॉक्स, कभी कह रही है। अरे वाह, ये ट्रैवलिंग किट, यूटिलिटी पाउच, ये भी ले सकते हो आप स्कूल के लिए। स्कूल के लिए नहीं, ये मैं ऐसे ले लूंगी। फ्रेंड्स देखो, आते ही ना दुकान पे लूटा लूटी शुरू हो गई। भैया मैंने तभी कहा तुम ट्रॉली ले लो और एक एक करके ना सामान ले। फ्रेंड्स मैं ये वाला ले रही हूं। अरे लड़ो मत भाई, अलग अलग लो। मैं ये वाली, मैंने पहले कहा। हाँ उसने पहले कहा, जिनी उसने पहले कहा। आप अपना ये वाला ले लो ना, ये ले। नहीं नहीं ये हट, मैं चूज कर रहा हूँ, हट। ओके मम्मा आ गई मैदान में, मम्मा आ गई मैदान में। कोई नहीं, आप ऐसा करो आप भी सेम ले लो। मम्मी पर भी मिक्स हो जाएगा, राइट मिक्स हो जाएगा। तो मैं ये पिंक ले लेती हूँ ना। चलिए पांडा, ठीक है पांडा ले ले। जिन्हें पांडा लिया। वैसे ध्वनि आपको कोई कार्टून करेक्टर लेना चाहिए, जिन्हें ये वाला ले सकती है। ध्वनि देखिए यार पाउच, ब्लैक पिंक भैया पसंद नहीं रहा, पसंद नहीं रहा, अब पसंद है, पसंद है मम्मी। तो मम्मी की शक्ल का पाउच बनवाया जाए ध्वनि। पर्सनलाइज, किसी के पापा पर्सनलाइज काम करते हो तो भैया जरा मेरे फेस का पर्सनलाइज पाउच बना दे ध्वनि के लिए। मम्मा ये क्या है? इरेजर। डॉक्टर, ओ भाई साहब ये क्या है? डॉक्टर सेट वाली इरेजर। वाओ कितनी क्यूट लग रही है ना जिनी। ये यहाँ पे स्टेशनरी बड़ी सुंदर सुंदर है ना। ये देखो फ्रेंड्स कितनी प्यारी स्टेशनरी लेनी है। हाँ देख ले फ्रेंड्स, अभी डिजाइन चूज करवा दो, आ जाओ आपकी चॉइस अच्छी। अच्छा मतलब क्या है, मम्मी की चॉइस बेकार है? ये देखो ये मैंने चूज करा लिया है, ये देख ये देख। ये इसमें आइसक्रीम चेंज है बस। ये दोनों ये नहीं लेना डॉक्टर सेट? ये डॉक्टर सेट लो। हाँ डॉक्टर सेट लेना, एक ये ले ले, एक ये ले ले। चलो चलो हो गया हो गया, हमने चूज कर लिया। एक ट्रॉली भी ले रहे हैं, ट्रॉली ले आओ जो आगे से जो। तो भैया इनकी ट्रॉली आ गई है और ट्रॉली में इन्होंने सामान भर लिया है। अरे वाह मम्मी क्या वाह, ये लेते हैं। क्या लेते हैं? ये है एक मैजिक क्यूब, इसको खोल नहीं सकते। मतलब ये पता क्या होता है, बढ़ती जाती है हमारी पिटाई कर देंगे। क्या है तो क्या ये? अरे मतलब ये मैजिक क्यूब है, जैसे इसके चेंज होती रहती है। अच्छा आप कैसे चेंज होती रहती है? आप इसको कैसे भी बना लो, ये वैसी वैसी रहेगी। ठीक है चल आप, हाँ जी आप ये बताओ। नो स्क्रैच नो 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 ध्वनि का घर से समझा के लाई थी। मेरे को पता था लूटेंगे शॉप पे जाके ना, तभी मैंने प्रिपेयर भी करके लाई थी। चलो भैया लो, अभी बिलिंग तो मैं कराऊंगी ना, जिस जिसकी बिलिंग कराऊंगी वही वही। तो इधर से वापस से राउंड ले लो और अपने यूजफुल आइटम उठाओ। दोनों के पाउच हो गए, तो पाउच उठाओ सबसे पहले। ये ले सकती है, आपके पास स्केच पेन की वैरायटी थोड़ी कम है। मतलब बहुत सारे स्केच पेन तो निकले थे बट सब टूटे फूटे निकले थे। ये देख सकते हो, देखो कैसे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं। इसमें ये सेम ही कलर्स हैं, देखो फ्रेंड्स अच्छे लग रहे हैं ना, ये नियॉन कलर्स हैं। वाओ अमेजिंग, प्यारा लग रहा है ये। मम्मी वो है, क्या है मम्मी? दीदी मम्मी को ये बता दो ये क्या है। ये दीदी बता दो मम्मी को क्या है ये। अच्छा ओके, ये है इंडिया कलर पेन, मैं बताती हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें ना ऊपर ना स्टैम्प टाइप होता है कुछ, आप इसको पेपर पे लगाओगे वैसे डिजाइन आ जाएगा। जैसे देखो लाइक बॉर्डर बनेगी, फ्लावर है तो फ्लावर आ जाएगा, मतलब प्रिंट हो जाएगा। आप इसको बस ऐसे चलाओगे ऐसे। पहले बताओ ये घर पे है? नहीं है हमारे पास। फ्रेंड्स जरा कमेंट करना, आपने स्टेशनरी चेक करी थी इनकी, जरा इनके पास है या ये नहीं है। मैं बताती हूँ, स्टैम्प टाइप्स हैं और हमारे पास जो है वो लाइन पेन, लाइनर पेन, डबल लाइनर पेन है। ये डबल लाइनर है, स्टैम्प पेन। और अगर निकला एक भी कमेंट आया कि जिन्नी ध्वनि के पास ये है, तो मैं एक रील बना के ना छपाट लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? फ्रेंड्स आप लोग तो मेरे फेवर में हो, कोई बात ठीक है ना। हाँ ठीक है, रहे ही नहीं वो। फ्रेंड्स कमेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारी सारी स्टेशनरी देखी है। चलो तो मेरे लेजर, अभी इरेजर दिला दी, अभी वापस रख दो। दिला, चलो 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 इधर से, बहुत हो गया। अब पहले देखो वाटर बॉटल, कैमरा अभी देखेंगे, पहले इधर आ जाओ। फ्रेंड्स जो चीज लेने आए हैं वो तो लेनी नहीं है, मतलब फालतू की चीज उठानी है। अब सबसे पहले अपनी अपनी वाटर बॉटल चूज करो, ओके? हाँ लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, पाउचेस, बैग। वाटर बॉटल अच्छी लगती है।
अच्छी तो लग रही है बेटा, स्कूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जरा। मम्मी वाटर बॉटल के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और मैम बॉटल्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बाद में बोला जाएगा। मम्मी मैम ने मुझे बहुत डांटा, मैम ने मुझे मेरी लंच बॉक्स देखो, वाटर बॉटल देखो, यूनिकॉर्न वाला लेना है। नहीं अब ध्वनि बड़ी हो गई है, अब यूनिकॉर्न वाला नहीं लेगी। ये क्या है, ये क्या है, ये लंच बॉक्स ही है। तुम तो मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो, पहले लंच बॉक्स चूज कर ले वाला दिखाइए, पिंक वाला। ये तू छोटी बच्ची नहीं है फ्रेंड्स, ध्वनि बड़ी हो गई है, कह रही है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। बिल्कुल छोटी नहीं रही फ्रेंड्स, ध्वनि बहुत बड़ी हो गई है। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी वो है, फ्रेंड्स में थोड़ी सी छोटी थी बच्ची। पलट गई मेरी बात बोलने से पहले, पलट गई। तो तुम्हें लंच बॉक्स पसंद आया नहीं आया? नहीं आया। देखा बच्चों कितने चूजी बच्चे हैं मेरे। यस, हम बहुत चूजी बच्चे हैं, हमें फालतू में उठाते भी नहीं है। यस, कोई नहीं, चलो पाउचेस देखो, पाउचेस तो बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं। ध्वनि देखो पाउच, अच्छे लग रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ ध्वनि, ये पाउच अच्छे लग रहे हैं, मुझे ये भी सुंदर लग रहा है। ये सेम ही है, सेम ही है, हाँ सेम ही है। हेलो किट्टी वाला, और ये वाला देख, ये भी सेम है। नहीं इसका ये अलग है, ये अलग है, तो चूज कर ले जिनी तेरे मतलब का कोई पाउच, तू भी ले ले, तेरे फ्रेंड्स तेरा मजाक उड़ाएंगे। फ्रेंड्स एक बार पता क्या हुआ, मैंने जिनी के लिए ना लंच बॉक्स वो वाला रख दिया, ध्वनि वाला गलती से मतलब रिप्लेस हो गया, जिनी को ध्वनि वाला चला गया, ध्वनि को जिनी वाला, और इसकी क्लास में इतना मजाक उड़ाया इसके फ्रेंड्स ने। क्या बोला जिनी, लिटरली वो पेपा पिक का फ्रूट बॉक्स था और स्नो व्हाइट का लंच बॉक्स था। चलो कोई नहीं, मेरी क्या गलती। अच्छा ध्वनि ने ये वाला पाउच उठा लिया है, और भी पाउचेज है, और भी पाउचेज है, चलो ये तो ग्रेटर वाला है, निकल जाते अंदर से सारे पाउचेस की पाउचेस है, पर यहाँ पे मेरे मतलब का पाउच है नहीं। तेरे मतलब ये पाउच बड़े भी हैं, तेरे मतलब के ये वाले हैं। अच्छा यूनिकॉर्न, आई लव यूनिकॉर्न, आई लव यूनिकॉर्न। तेरे तेरे मतलब के पीछे भी थे देख, 25 दिन में पैसे डबल, 25 दिन में पैसे डबल। और देखते हैं, नहीं तेरे मतलब का नहीं है। ब्लैक पिंक, ब्लैक पिंक चाहिए किसी को? नहीं नहीं नहीं, ब्लैक पिंक नहीं चाहिए। तो कोई नहीं, आपसे ध्वनि ने पाउच ले लिया है, जीनी ने नहीं लिया है, कोई बात नहीं। चलो और देखते हैं जीनी के मतलब क्या है। चलो चलो, देखिए वाली बॉटल तो मेरे को अच्छी लग रही है ध्वनि, ओके ओके नहीं है देख, कितनी तो अच्छी है, स्मार्ट लग रही है, कलर भी बहुत प्यारा है। फ्रेंड्स कैसी लग रही है मुझे बताओ, और मैं ध्वनि के लिए लेने वाली हूँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और जिनी इसमें अगर और कोई कलर है तो मैं तेरे लिए भी लेने वाली हूँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ओके चलो, एक बॉटल तो मैंने फाइनल करा दी है, चलो अब बैग देखो, चलो जल्दी जल्दी गेम भी बाहर है। तो यहाँ पे अब जा रहे हैं हम स्कूल बैग देखने, आओ जी आओ ध्वनि मैडम जी, जिनी तो ले लेंगी, पहले आप चूज कर लो स्कूल बैग। तुम्हारा सारा स्कूल बैग का ये स्कूल बैग का भैया दिखाइए कोई अच्छा सा, इसके लिए दोनों के लिए दिखाना है। तो जिनी ये देखिए, तू देख ले, अच्छा लग रहा है मेरे को भी, नाइस दिखाना, ये इसी टाइप का ही दिखाओ, प्यारा लग रहा है। कलर वगैरह है इसमें कुछ टाइप का आएंगे सॉफ्ट में, इसके लिए दिखा रहे, तेरे लिए नहीं दिखा रहे, तू शांत रहे अभी। ये वाला देख, बटरफ्लाई वाला, नहीं वो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसमें और कोई कलर वगैरह है? हाँ देखो इसमें तो फ्रेंड्स, जिनी को तो ये वाला पसंद आ रहा है, तो इसमें कलर देखते हैं, और कोई हो तो चेन भी देखते हैं। एक बार जीनी के माइंड में जो चीज सेट हो जाती है ना, वो सेट हो जाती है, उसे फिर चेक एक बार ही में पसंद कर लेती है, फिर चाहे कितने ही पीस आ जाए वो नहीं करती पसंद ना। चल तेरे लिए ये ले लेते हैं, जीनी को मैं ये दिला देती हूँ, बट जो हमारी दूसरी मैडम है जरा उसके लिए चूज करना है, टफ काम है। तू इसकी चेन वेन चेक कर ले जरा, मैं इसको बैग चूज कराती हूँ। पिट्ठू बैग लेना, क्या करना है, स्कूल बैग लो पहले, करेक्टर वाले दिखाओ। नाइस, कैसा लग रहा है ध्वनि?
अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। देखा मैंने कहा ना इसको इतनी जल्दी चूज नहीं करनी है। भैया कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, आप आराम से देख लो। थैंक यू भैया, आप अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हो हमारे साथ। देख अच्छे लग रहे हैं ध्वनि। नहीं नहीं इस चल कोई बात नहीं। यूनिकॉर्न दिखा, इसमें यूनिकॉर्न भी आएगा, बहुत सारे कलर या बॉयज में दिखाऊं? नहीं बॉयज का नहीं, वो गर्ल का ही लेगी। नहीं नहीं कैरेक्टर पसंद का आता है, ये बड़ा है इनके लिए। हाँ ये इसके लिए बड़ा दिखा देता है, साइज बड़ा है। चल कोई नहीं, इसको बैग नहीं पसंद आ रहे, मैं कहीं और से दिला दूंगी। तेरे को पिट्ठू बैग लेना छोटा, देख पिट्ठू भी देख ले। पिट्ठू मैं चूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। चलो इसको एक पिकनिक बैग मेरे को दिलाना भी था, तो मैं एक इसको पिकनिक बैग दिला देती हूँ। ये वाला मैंने देख लिया था। कहाँ देख लिया था? अभी देखा था मैं। अच्छा ये देखो, इट्स टाइम टू बी हैप्पी। हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। पक्का और कौन कौन से इसमें गर्ल्स के रहे? यूनिकॉर्न वाला देख, नीचे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है यूनिकॉर्न, बढ़िया लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है ध्वनि, टेडी बियर वाला टेडी बियर ज्यादा अच्छा है। इधर कैसे है प्रिंसेस वाले? ये वाला वो वाले स्कूल बैग। अच्छा वो स्कूल बैग है। अच्छा नहीं ये वाला, चल इसमें ये चूज कर लिया है, रख लेते। बताओ पेंसिल कैसी की मिठाई है? नॉर्मल पेंसिल ये वाली, ये कच्ची तो नहीं निकलती, मतलब शॉप पे चल गई कच्ची निकलती है। मैंने बोल दी ज्यादा कच्ची निकलती है, कच्ची खुद कच्ची है। बता कौन सी लेनी है? कह रहे नहीं निकलती, नहीं निकलेगी। ये लेड पेंसिल है? हां ये वाली पेंसिल। तो फिर ले ले लेड पेंसिल्स भी ले ले, और हम भी देख लेते जरा। हां तुम भी देख लो जरा, एक पैकेट ले ले ले, ठीक है आराम से भैया। और ये पेंसिल, ये सारे कैरेक्टर, ये वाले कैरेक्टर पेन है, जेल है, जेल वाले पेंसिल कलर्स भी है तुझे? इसके ड्रॉअर में से इतने पेंसिल कलर्स निकले थे और मेरे ड्रॉअर में से नहीं निकले। मैंने शेयर कर लियो ना? ना क्यों मम्मी, देखो अलग अलग होने चाहिए मैं आपके लिए, तो मैं अच्छा ये देख ले, ये भी सही, ये भी देख ले, जो भी लेने वो ले ले। सेम क्वालिटी है, वो भी सेम है, बस प्रिंट अलग है। प्रिंट ये ले लेते हैं, ये ले ले जो तेरे को लेने, ले ले। चलो अब हो गया ना, सही है। एक बार और नजर मार लेते हैं, इसको रख दो। ये किस लिए चाहिए? मम्मी मैं ये ले रही हूं। क्या ले रही है? कैमरा। कैमरा क्यों चाहिए? कैमरा चाहिए, कैमरा चाहिए। बड़े शूटिंग करनी है, शूटिंग सर शूटिंग करनी है। फ्रेंड्स कैसी बात कर रहे हैं? नहीं मिलेगा ये कैमरा? कैमरा मिलेगा मम्मी, कैमरा मिलना चाहिए। देखो शूटिंग करनी है फ्रेंड्स के लिए, ब्लॉग आना चाहिए। इससे शूटिंग होती है? जरा कमेंट करके बताना जरा। फ्रेंड्स क्या होता है? लास्ट आइटम कैमरा मैं दिला देती हूँ, बट अब नो, अब और कोई आइटम नहीं मिलेगी। तो चलो हमने तो यहाँ पे इन्हें स्टेशनरी नहीं दिला दी, तो ये और किसी चीज की जिद करे। आपको इनकी स्टेशनरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो बड़ा मजा आया, तुम दोनों को मजा आया?